सो भाई टोयोटा, टोयोटा हमेशा जाने जाते हैं बड़ी गाड़ी बेचने के मामले में, यानी कि भाई बड़ी गाड़ी बिजनेस क्लास लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करती है। और आज इसीलिए मैं आप लेके आ गया हूँ यहाँ पर बड़ी, यहाँ पे लग्जरी टाइप की MPV गाड़ी, यानी कि मल्टी पर्पज़ व्हीकल वाली गाड़ी, और टोयोटा के हाई क्रॉस यानी कि इनोवा क्रिस्टा से बड़ी वाली यहाँ पर गाड़ियाँ ऑफर करती है टोयोटा, जो है लंबी है ज़्यादा, आपको वाइडर ज़्यादा मिलने वाली है क्रिस्टा से। और ये इसका GXO वाली वेरियंट, यानी कि GX ऑप्शनल वेरियंट है, जिसका प्राइस आ जाती है एक्सम प्राइस 20.99 लाख, यानी गाड़ी बिलोंग करती है इस पर टोयोटा रावर क्लाउड शोरूम से। अगर आपको टोयोटा की कोई भी गाड़ी लेनी हो तो इनका नंबर आपको मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज बात करेंगे दिस ह्यूज गाड़ी यानी कि हाई क्रॉस के बारे में, जिसमें आपको मिलेगी बहुत सारे फीचर्स वगैरह, यानी कि लग्जरी को पूरा जो है ये फुलफिल करने वाली है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो, और आपको दिखाता हूं दिस इनोवा हाई क्रॉस की GX ऑप्शनल गाड़ी। सो ये इसका सिल्वर मेटल वाली गाड़ी है, और मैंने इसका हेडलाइट वगैरह सब कुछ ऑन रखा है ताकि आप देख सको भाई इस वेरियंट को क्या क्या चीज़ ऑफर करी जाती है। तो 21 लाख में आपको मिल जाती है यहाँ पे पूरा चैम्बर, यानी कि LED की चैम्बर टाइप की हेडलाइट का पूरा प्रोफाइल वगैरह, हाई बीम लो बीम मिल जाती है यहाँ पे LED शेप में, इंडिकेट रखा गया यहाँ पे हेलोजन बेस में। एक ह्यूज यहाँ पे ग्रिल जो कि आपको मिलेगी मैट कलर में, थोड़ी सी यहाँ पे हेक्सागन टाइप की जो है आपको मिलेगी पैटर्न वगैरह इसके ऊपर। देन टोयोटा का लोगो आपको मिलेगी, 360 कैमरा यानी कि आपको मिल जाती है यहाँ पे फ्रंट कैमरा भी, ये देखो राइट, एंड सब कुछ यानी कि फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको ऑफर करी जाती है इस वेरिएंट में भी। ये देखो आपको मिलेगी टोटल 4 जो है LED की फॉग लाइट, स्किड प्लेन मैट ब्लैक कलर में, एंड और एक आपको मिलेगी यहाँ पे मैट कलर की हाउसिंग के साथ, यानी कि देखिए इसका पैटर्न देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी ब्रोड मिलेगी, यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे नोरो मिल जा रही है। तो ब्रोड एंड बल्कि शेप की वजह से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगती है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती है। सो ये हो गया इसका फ्रंट का प्रोफाइल। देन दोस्तों यू गेस का साइड प्रोफाइल, एंड भाई देखिए लंबी चौड़ी गाड़ी है, बहुत ही लंबी लग रही है, क्योंकि मैंने इसका वाइड एंगल जो है ऑन किया है, क्योंकि बहुत गाड़ी वगैरह यहाँ पे खड़ी है तो फ्रेम में नहीं आ रही थी। और डायमेंशन में यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ भाई कितना क्या आपको मिलेगी डायमेंशन इस गाड़ी में, एंड आपको मिलेगी 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। फुल बॉडी क्लैडिंग तो आपको नहीं मिलेगी, बट आपको मिलेगी इसके बॉटम के साइड में, देखिए यहाँ से लेके पूरे सराउंडिंग को मिल जाते हैं मैट ब्लैक कलर का जो ट्रिम वगैरह, यानी कि आपको मिलेगी पैटर्न वगैरह मैट ब्लैक कलर वाली साइड में दी जा रही है। रियर में आपको दिखा दूंगा अगर भाई बाकी फीचर्स की बात करें, सो आपको मिलेगी यहाँ पे ब्रिजस्टोन के टायर ऑफर कर जाते हैं कंपनी की तरफ से, सिंपल टाइप की ओलो दी जा रही है सिल्वर कलर वाली। ये देखो अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो आपको मिल जाती है यहाँ पे 205x65 एंड 16 इंच की सिंपल ओलो है। फ्रंट में डिस्क, रियर में आपको दिखा लेते हैं भाई, रियर में आपको मिलेगी सेम डिस्क ब्रेक का जो फीचर, ये देखो, एंड बॉडी कलर का मिल जाते हैं यहाँ पे डोर हैंडल्स, एंड आपको मिलेगी यहाँ पे बॉडी कलर की ORM का पार्ट विथ टर्निंग इंडिकेटर, ये देखो, एंड इसके नीचे मिल जाते हैं यहाँ पे और एक कैमरा, यानी कि आपको मिलेगी 4 कैमरे इस गाड़ी में, ठीक है। बी पिलर रखा गया यहाँ पे मैट ब्लैक कलर में, एंड यूँ इसका सी पिलर रखा गया थोड़ी सी यहाँ पे ब्रॉड शेप में, एंड ग्लॉसी का यहाँ पे भी यूज़ किया गया है जैसे देख पा रहे हो। देन अगर मैं रियर प्रोफाइल की बात करूँ तो यू शेप तो आपको दिखने वाली है, यानी कि थोड़ी सी यहाँ पे बॉक्सी लगने वाली है गाड़ी जो है, और LED की सारी जो है सेटअप मिल जा रही है, यानी कि LED की टेल लाइट एक्सटेंड दी जा रही है, यानी कि थोड़ी सी लंबी आपको मिलने वाली है, प्लस आपको मिलेगा इसका जो इंडिकेटर हेलोजन बेस में, एंड इसका जो रिवर्स साइड मिलेगी यहाँ पे हेलोजन बेस में, स्प्लिटर सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगी इस गाड़ी में राइट। ग्लोसी का हल्का फुल्का यहाँ पे भी देखिए ट्रीटमेंट मिल जा रही है इसके ठीक ऊपर में, एंड रियर वाइपर, डिफोगर, हमारा स्टॉप लैंप, शॉर्ट फ्रंट एंटीना, ये भी आपको मिलेगी इस वेरिएंट में। इनोवा हाई क्रॉस यहाँ पे ब्रांडिंग हो गया बड़ी वाली राइट, एंड टोयोटा का लोगो, कैमरा का पार्ट दिस वन, एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर को मिलेगी यहाँ पे टोटल 4 मिलनी भी चाहिए भाई। और सेम आपको मिलेगी यहाँ पे इसका जो बॉटम का जो पार्ट है आपको मिलेगी मैट ब्लैक कलर में विथ रिफ्लेक्टर, ये देखो भाई पूरा जो है सराउंडिंग के साथ जो मैच किया है, यानी कि पूरी आपको मिलेगी कनेक्टेड इसके सराउंडिंग के साथ मैट ब्लैक कलर का जो ट्रीटमेंट वगैरह है। सो ये हो गया इसका रियर प्रोफाइल टोयोटा हाई क्रॉस का, यानी कि GX ऑप्शनल का। देन में चले चलते हैं गाड़ी के अंदर, और आपको दिखा दूँ भाई अंदर क्या क्या चीज़ आपको मिलेगी। लग्जरी सेगमेंट की भाई गाड़ी है तो आपको मिलेगी उसी हिसाब से यहाँ पे सब कुछ रखा गया, यानी कि पूरी सॉर्टेड मिल जा रही है। तो ये होगा इसका डैशबोर्ड का प्रोफाइल, आपको मिलेगी पूरी प्रीमियम जो है सेगमेंट के हिसाब से सब कुछ, यानी कि आपको मिलेगी सॉफ्ट टच लेदर टच की यहाँ पे आपको मिलने वाली है। अगर आपको बताने के लिए इसका डोर पैनल पहले दिखा देते हैं भाई, सो ये इसका डोर पैनल आपको मिलेगी यहाँ पे सेम डूल टोन के साथ ब्लैक एंड ब्राउन प्रीमियम टच के साथ, ये देखो लेदर टच आपको मिल जाती है, ये आपको मिलेगी हार्ड प्लास्टिक के साथ, एंड फोटो होल्डर स्पेस यहाँ पे हो गया, सेटिंग लग यहाँ पे यूज़ किया गया लाइनिंग के साथ, एंड दिस वन इज द पावर विंडो स्विच वगैरह मिल जाती है चारों, एंड ओपन डोर मिलेगी ओनली ड्राइवर साइड में। देन फोल्ड होगी रिट्रैक्ट होगी, लॉकर का बटन मिल जा रही है, एंड आपको मिलेगी मैनुअल हाई टेंशन के लिवर, ये देखो राइट। तो की
योगेश का की आपको मिली सिंपल सी की टोयोटा का लोगो के साथ, लोगों के पास बटन मिल जा रही है और कुछ भी नहीं है, पूरे सिंपल से यहाँ पे की दी जा रही है, देखो दिख रहे तो चलो भाई चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको दिखाता हूँ मैं अंदर आपको क्या क्या मिलेगी लग्जरी जो है फीचर्स वगैरह इस वेरिएंट में। तो भाई देखिए जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ भाई ब्लैक है यहाँ पे, लेदर टाइप मिल जाती है यहाँ पे, ब्राउन कलर वाली स्टीयरिंग कलर की एक लाइनिंग मिल जा रही है और ये आपको मिलेगी ब्लैक वाली और एक स्पेस आपको दी जा रही है। ये स्पेस भाई गाड़ियों मुझे काफ़ी पसंद आती है, देखो यहाँ पे मोबाइल रखिए आराम से रह जाती है भाई, स्लॉट टाइप की डिजाइन मिल जा रही है प्लस एक चार्जिंग के लिए सॉकेट दी जा रही है ना, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन भी अच्छी लग रही है और भाई काम की है, बंद हो जा भाई ये देखो। तो स्पेस की बात चले तो बता दूं भाई स्पेस तो यहाँ पे हो गया, सेकंड स्पेस आपको मिलेगी इसका जो ग्लो बॉक्स है ये देखो राइट, देन थर्ड जो स्पेस आपको मिलेगी भाई ये रही बड़ी वाली यहाँ पे ट्विन कप शोल्डर सेटिंग लगे यहाँ पे आपको मिलेगी सराउंडिंग के साथ, एंड और एक स्पेस आपको मिलेगी यहाँ पे इसके फ्रंट आर्म रेस्ट के नीचे, इसको करेंगे साइड से ओपन ये देखो काफ़ी ह्यूज वाली आपको मिलेगी स्पेस इसके अंदर राइट, और स्पेस आपको मिलेगी इसके डोर पैनल में जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही, इतने आपको मिलेगा इसका फ्रंट रो में राइट। और अगर फीचर्स की बात करें आपको मिलेगी यहाँ पे 8 इंच की टच स्क्रीन, क्योंकि गाड़ी है 8 सीटर वाली, ये गाड़ी आपको मिलेगी 7 सीटर के साथ भी एंड 8 सीटर के साथ भी, बट ये है इसका 8 सीटर वाली गाड़ी जिसका प्राइस मैंने आपको बताया भाई 20.99 लाख यानी कि 21 लाख मान के चलो एक्स रूम प्राइस। 8 इंच की मिल जाती है यहाँ पे टच स्क्रीन आपको मिलेगी, एंड्रॉइड टाइप का फीचर वगैरह आपको यहाँ पे वायरलेस नहीं दी जा रही है भाई, अगर लेते इसका 7 सीटर तो उसमें आपको मिलेगी वायरलेस एंड्रॉइड और टाइप का फीचर वगैरह एंड सेम आपको ब्लूटूथ वगैरह मिल जाएगी भाई, यहाँ पे आप अपना मोबाइल सेटिंग कर सकते हो आराम से जो है सेट हो जाएगी यानी कि कनेक्टेड हो जाएगी, बाकी वॉइस कमर वगैरह आपको मिलने वाली जैसे कि आपको सिंपल मिल जाती है वो चीज़ आपको यहाँ पे भी दिख जाएगी इसके टच स्क्रीन में राइट। बाकी क्लॉक सेटिंग, स्लीप टाइम जोन, डे लाइट सेविंग वगैरह यहाँ पे बैक करेंगे, होम का बटन यहाँ पे हो गया यू गैस का होम का बटन ठीक है, रेडियो वगैरह यहाँ पे बजा सकते हो, ब्लूटूथ हो गया यहाँ पे ठीक है। सो यू गैस का टच स्क्रीन वॉल पेपर जैसे कि देखिए चेंज कर सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो, उसके नीचे को दीजिए यहाँ पे एसी के वेंट्स, हैजर्ड का स्विच, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एसी के नोट वगैरह आपको मिलेगी, डिस्प्ले जो कि काफ़ी मस्त लग रहा है देखने में ये देखो राइट। देन ये गाड़ी आपको मिलेगी ओनली सीवीटी के साथ ही, वैसे अगर देखा जाए तो भाई इस वेरियंट में मिल जाती है भाई सीवीटी का जो है ट्रांसमिशन, बट अगर जाएंगे इसके अपर वेरियंट में यानी कि वीएक्स ऑप्शनल, जीएक्स एंड जेडएक्स ऑप्शनल, तो उसमें आपको मिलेगी भाई ई सीवीटी का जो है ट्रांसमिशन, एंड वो आपको मिल जाती है पूरी तरह से पेट्रोल हाइब्रिड के साथ जो कि यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली है। इसका जो सेंट्रल जो कंसोल है ना वो काफ़ी जो है मस्त लगती है देखने में, ये देखो इसका फ्लो देख रहे हो तो काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में, और रियर व्यू ले सकते हो ये देखो कैमरा ऑन हो गया 360 कैमरा भाई, घुमाओ जिस तरफ से आपको घुमाना है, बट इसका क्वालिटी मुझे थोड़ा सा जो है डिसेंट लग रही है भाई, ज़्यादा कहाँ गया फिर से चला गया ये देखो ठीक है, तो इसका क्वालिटी थोड़ा सा भाई मुझे डिसेंट लग रहा है ठीक है ना, ये देखो इसका कैमरा का क्वालिटी वगैरह। देन और क्या है आपको मिलेगी चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे सी टाइप की एंड एक रखा गया यूएसबी टाइप की टाइप ए एंड टाइप सी वाली चार्जिंग पोर्ट सेंटर में दी जा रही है, पूरा आपको दिखेगी सामने की तरफ है, एंड और एक सॉकेट आपको मिलेगी इस साइड में राइट। अगर क्लस्टर की बात करें तो ये होगा इसका क्लस्टर एरिया आपको मिलेगी भाई सेमी डिजिटल क्लस्टर यानी कि टेकोमीटर, एंड इसका जो स्पीड ऑफ मिलेगी एनालॉग बेस एंड इसका जो इंजन टेम्परेचर आपको मिलेगा एनालॉग में, एंड इसका जो फ्यूल गेज रखा गया वो भी एनालॉग बेस, बाकी स्टोर दी जा रही है जिसके साथ आप इसका सेटिंग वगैरह कर सकते हो यानी कि एक दी जा रही है एमडी डिस्प्ले इसके बीच में जिसमें ट्रिप है ट्रिप बी, पार्किंग में अभी गाड़ी है, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो ओके, देन ऑडोमीटर वगैरह आपको यहाँ पर शो करेगी। सो ये होगा इसका क्लस्टर का पूरा एरिया, स्टेयरिंग व्हील आपको मिलेगी भाई राउंड शेप की नो डी कट वगैरह, एंड आपको स्टेयरिंग में डॉट फीचर यहाँ पे, टेलीफोन कंट्रोल्स, वॉइस कमांड यहाँ पे, बाकी मोड यहाँ पे देखो यहाँ से आप इसके मोड को जो चेंज कर सकते हो और साइड इधर कर सकते हो आराम से, तो यहाँ पे हो जाता भाई मोड पूरा सेटिंग देखे यहाँ से कर सकते हो ऑपरेट राइट। तो ये होगा इसका क्लस्टर टच स्क्रीन एंड स्टेयरिंग व्हील के बारे में, ये आपको मिलेगी टिल्ट के साथ एंड आपको मिलेगी टेलीस्कोपी का भी फीचर, मिलना तो चाहिए भाई ये देखो ठीक है ना, दोनों मिल जा रही है। देन ऑटोमेटिक हेडलैम्प का यहाँ पे फीचर मिल जा रही है, इधर आपको मिलेगी वॉशर मिरर के कंट्रोल्स, पुश स्टार्ट का स्विच इस साइड में दी जा रही है, देन आपको मिलेगी लाइट लेबलर ओनली और कुछ भी यहाँ पे नहीं दी जा रही है, बाकी आपको मिलेगी 5 mm डमी बटन्स ठीक है। देन ये हो गया इसका बोनर ओपन करने का बटन एंड दिस वन इज द फ्यूल लोड ओपन करने का बटन, आपको मिलेगी 52 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी इस ह्यूज गाड़ी में, आयरन मिल जाती है यहाँ पे और रीडिंग लैंप, हैलोजन बेस भाई एलईडी में होता अच्छा होता,
एसएस का बटन बीच में दी जा रही है इमरजेंसी के लिए, और वैनिटी मिरर आपको मिलेगी यहाँ पे। लाइट नहीं दिया गया भाई, ये भी होना चाहिए था इस गाड़ी में। देन इस साइड आपको मिल जाती है मिरर का पार्ट, ठीक है। ग्रैब हैंडल हो गया साइड में। सीट आपको मिलेगी ये भाई देखो, ये आपको मिलेगी फैब्रिक की सीट्स, लेकिन भाई थोड़ी सी प्रीमियम लग रही है इसके जो पैटर्न के वजह से, यानी कि ब्लैक एंड ब्राउन कलर यहाँ पे रखा गया पैटर्न, जो कि देखने में काफ़ी मस्त लग रही है। एंड सॉफ्टनेस भी देखिए काफ़ी अच्छा खासा है भाई, ठीक है ना। बकेट टेक सीट आपको मिलेगी एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ठीक है, और आराम से यहाँ पर बैठ पा रहे हो, कोई दिक्कत है नहीं। आपका हाइट जितना भी हो, आपका हेल्थ जितना हो, आप आराम से बैठ पाओगे। फ्रंट आर्मरेस्ट में यहाँ पे हाथ रख के आराम से बैठिए, गाड़ी को चले। लॉन्ग ड्राइव में भी आपको टायर्डनेस बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया इसका फ्रंट रो यानी कि हाई क्रॉस का। और देखिए इसका बोनट देखिए भाई, कितनी ह्यूज भाई, पूरी विजुअल हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है कोई इस गाड़ी को चलाने में। लंबी चौड़ी गाड़ी है बट चलाते टाइम मस्त लगने वाला है। ये देखो इसका बोनट पूरी दिख रही है कि नहीं, कभी नहीं बताना, ठीक है। तो चलो भाई चलते हैं अभी इसके सेकेंड रो, एंड इसका थर्ड रो भी बाकी है क्योंकि गाड़ी है एट सीटर वाली। एट सीटर वाली गाड़ी भाई, थर्ड रो यानी कि तीन रो मिल जाती है, फ्रंट रो का काम खत्म हुआ। अभी चले चलते इसके सेकेंड रो में। सो भाई हो गया इसका सेकेंड रो भाई, देखो स्पेस देखो, मैं अगर सिर्फ अपने हिसाब से एडजस्ट किया था, और देखो एडजस्ट करने के बाद भी भाई यहाँ पे जैसे लग रहा है कि छोटा सा कमरा जैसे आपको मिल जा रही है भाई। पूरा खुल के बैठो, आराम से बैठो यहाँ पे, मतलब लग्जरी वाली गाड़ी है ना, तो यहाँ पे वही वाली आपको फीलिंग आएगी। यानी कि ये देखो भाई, आराम से बैठो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको इशू नहीं आएगा, आराम से मतलब फैल के बैठ सकते हो, ठीक है ना। आपका हाइट जितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है। एंड हेडरूम तो आप लोगों ने देख लिया होगा, बट नी रूम लेग रूम देखो भाई ये क्या है। एक्चुअली सीट को मैं ज़्यादा पीछे कर लिया हूँ, ठीक है ना। अभी अगर इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊँ, क्योंकि इसके थर्ड रो को भी जाना है ना, क्योंकि इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं अभी। सो ठीक है भाई, हमने इसको हल्का सा आगे कर लिया है, यानी कि जैसे कि रेगुलर शेप में मैंने इसको ला दिया है। फिर भी देखो भाई आराम से बैठ पा रहा हूँ, कोई दिक्कत हो नहीं रही है। और आपको मिलेगी यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह तीनों मिल जा रही है। ये सीट पीछे रखा गया है, ये सीट आगे मैंने कर दिया है। तीनों आपको मिलेगी एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। फ्रंट आर्म रेस्ट आपको मिलेगी यहाँ पे विद कप शोल्डर के साथ, ये देखो। एंड आपको मिलेगी क्या, ऑटोमेटिक यहाँ पे मिल जाते हैं क्लाइमेट कंट्रोल, एसी यूनिट वगैरह। यहाँ से भी आप जो है आराम से कंट्रोल कर सकते हो इसके एसी वगैरह को, एंड ऑफ कर सकते हो देखो। देन उसके नीचे दी जा रही है यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स सी टाइप, एंड दोनों आपको मिलेगी सी टाइप की चार्जिंग पोर्ट सेकेंड वालों के लिए, ठीक है ना, काफ़ी सही बात है। तो ये हो गया भाई फीचर्स वगैरह। एंड और क्या है, एसी के वेंट्स आपको मिलेगी साइड में, ये देख लो साइड में दी जा रही है एसी के वेंट्स। ग्रैब हैंडल विथ लगेज का फीचर, एंड डोर पैनल आपको मिलेगी सेम डोल टोन के साथ, ब्लैक ब्राउन का कॉम्बिनेशन। ह्यूज आपको मिलेगी डोर पैनल भाई। विंडो देखो कितनी लार्ज आपको मिल जाती है, यानी कि सफोकेटिंग का फील आप सोचना ही भूल जाओ, इतना लार्ज आपको मिल जाता है इसका विंडो का जो पार्ट है, ठीक है ना। सो सेकेंड रो यही है। थर्ड रो वालों के लिए मिल जाती है देखो, यहाँ पे भी ऐसी इवेंट्स, ये सेकेंड रो वालों के लिए, ये थर्ड रो वालों के लिए, राइट। और एक मिलेगी रीडिंग लैंप सेंटर में, सेंटर में नहीं है, थोड़ी सी पीछे दी जा रही है, ताकि सेकेंड रो एंड थर्ड रो वालों के लिए भी यूज में आ सके हेलोजन बेस में दिस वन, ठीक है। सेकेंड रो वालों के लिए आपको इतना ही मिलने वाला है। अगर थर्ड रो की बात करें तो इसको यहीं पे रहने देते हैं। ये जो सीट जैसे देख पा रहे हो पीछे, और यहाँ पे स्पेस देखो, और यहाँ पे स्पेस देखो, राइट। तो चलो भाई चलते हैं इसके थर्ड रो में। थर्ड रो में कंफर्टेबल कैसा क्या है, यानी कि 6 फुट का बंदा पीछे बैठेगा तो कैसा क्या मिलने वाला है, लेग रूम हेड रूम वगैरह, वो भी आपको दिखा दो इस गाड़ी में, यानी कि हाई क्रॉस में। सो अगर आपको जाना है थर्ड रो तो आपको करना पड़ेगा इसको, ये देखिए हल्का से यहाँ पे डाउन हो गया, और इसको सेल करते हैं अभी, राइट। ये हो गया स्लाइड, और यहाँ पे मिल गया भाई जगह जाने के लिए थर्ड रो को, ठीक है ना। सो भाई आ चुके हैं आप लोगों की डिमांड पे थर्ड रो में, और भाई इसका सीट को थोड़ा सा करते हैं, और आई मीन सीधा करते हैं। सो आपको पहले दिखा दूँ इसका जो हेडरूम कितना के मुझे मिल जा रहा है। सो हेडरूम देखो, अगर मैं बैठने जाऊँ मेरा जो हाइट के हिसाब से तो लग तो जा रहा है, और अगर नी रूम लेग रूम की बात करूं तो जब ये सीट पीछे आएगी, अगर मान लो इतना तक आती है तो सही है, लेकिन अगर इतना आ गया ना इतना तो नहीं आएगा, क्योंकि भाई उतना स्पेस मेरे को दिखाई देगा भाई कितना ज़्यादा स्पेस था। इतना तक आ गया तो भाई आराम से बैठ पाऊँगा आराम से, या फिर लॉन्ग रूट के लिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत होने वाली है, मेरे हाइट के हिसाब से बता रहा हूँ।
तो थर्ड रो भाई 5-8-9 इंच के बंदे बैठ सकते हैं, 6 फुट के ऊपर जो बंदे बैठेंगे तो उनके लिए तो दिक्कत आने वाली है। बाकी आपको मिलेगी, अगर फीचर्स की बात करें भाई एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जा रही है, रिक्लाइन एंगल आपको सही मिलेगा, बाकी इसको आप पूरा फोल्ड भी कर सकते हो ताकि आपको मिलेगा लार्ज बूट स्पेस, आपको दिखा दूंगा भाई, ठीक है ना। पहले बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो थर्ड वालों के लिए मिल जाती है भाई एक 2 व्हीलर का सॉकेट, बोट होल्डर यहाँ पे स्पेस मिल जा रही है, इस साइड में आपको मिलेगा भाई सेम बोट होल्डर स्पेस हो गया, ठीक है ना। ग्रैब हैंडल यहाँ पे मिल जा रही है, ओके। तो थर्ड वालों के लिए बस यही है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कंफर्ट लेवल, अगर आपका हाइट ज़्यादा है तो कैसा क्या मिलने वाली है भाई थर्ड रो वालों के लिए, ओके। एंड और एक मिलेगा भाई, देखिए यहाँ पे हेड रेस्ट जो कि रखा हुआ है, साइड में रखा हुआ है पक्का, मैं आपको दिखाऊंगा, ये भाई आप लगा सकते हो या फिर निकाल के भी रख सकते हो। तो थर्ड रो की बातें हो चुकी है, तो चलिए अभी चलते अभी बाहर, और बाहर चल के मैं आपको दिखाता हूँ इसका बूट का एरिया। देन आपको यहाँ पे डोर रिफ्लेक्टर भी, ये देखो ये हो गया इसका बूट का एरिया इनोवा हाई क्रॉस का। आपको मिलेगा यहाँ पे 300 लीटर का बूट स्पेस, विथ आपको मिलेगी भाई एक बूट लैम्प का फीचर, एंड थोड़ी सी यहाँ पे बॉक्सेस में रखा गया है, देखिए एक्स्ट्रा यहाँ पे हेडरेस्ट रखा गया ताकि अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो, आप चाहो तो लगा भी सकते हो। ये हो गया इसका एक्स्ट्रा जो है हेडरेस्ट का पार्ट। एंड इसके जो रेयर सीट यानी कि जो थर्ड रो को आप फोल्ड कर सकते हो, अगर 5 बंदे आई मीन ट्रैवल कर रहे हैं तो इसके थर्ड रो का फोल्ड करके आपको मिलेगा भाई 738 लीटर का बूट स्पेस, जिसका ऑप्शन आपको यहाँ पे दी जा रही है इस गाड़ी में। ये पूरा जो है 50-50 फोल्ड भी कर सकते हो पूरा जो है, तो रिक्लाइन एंगल भी आप जो है इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हो जाकर कोई थर्ड रो में बैठता है। बाकी इसको फोल्ड करेंगे तो पूरा फोल्ड हो जाएगी एंड आपको मिलेगी भाई 738 लीटर का बूट स्पेस। दिस इज द स्पेयर व्हील का पार्ट इसके नीचे, अभी करते हैं इसको बंद, ठीक है। तो सारी बातें हो चुकी है भाई इस ह्यूज लग्जरी वाली गाड़ी के बारे में, एंड प्राइसिंग मैंने आपको बता दिया भाई 20.99 लाख इसका एक्सम प्राइस है GX ऑप्शनल का। एंड इंजन की बात करें तो मैं यहाँ पे इंजन जो है कितना क्या पावर लेकर मेंशन कर दे रहा हूँ, एंड सेफ्टी वगैरह भी यहाँ पे मेंशन कर दे रहा है कि आपको मिलेगी सेफ्टी फीचर्स वगैरह इस गाड़ी में। तो अगर अनलोड की बात करें यह गाड़ी आपको सुबह आपको ये पड़ जाएगी 24.31 लाख, यानी 24.31 लाख में आपको मिलेगी एक लग्जरी की गाड़ी और टोयोटा की तरफ से यहाँ पे ऑफर करी जाती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, दिस ह्यूज लग्जरी की गाड़ी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं, धन्यवाद।